के अंदर एक करारदाद पेश करना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त जी इजाज़त जी कीजिए। शुक्रिया स्पीकर साहब। ये ऐवान सियासी मामलात में अदलिया की बेजा मदाखलत को सियासी अदम इस्तेकाम का बाइस समझता है। ये ऐवान सुओ मोटो केस 1/2023 में 4 जज साहिबान के फैसले और राय की तायीद करते हुए इस पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए ये तवक्को रखता है कि आला अदलिया सियासी और इंतज़ामी मामलात में मदाखलत से गरेज करेगी। ये ऐवान करार देता है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद खुद मुख्तार आइनी अदारा है जो आइन के आर्टिकल 218 के तहत शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियारात में मदाखलत न की जाए और इलेक्शन कमीशन को उसकी सवाबदीद के मुताबिक साजगार हालात में इलेक्शन का इनेकाद कराने दिया जाए। ये ऐवान ये भी करार देता है कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। ये ऐवान समझता है कि आर्टिकल 218 की रूह के मुताबिक शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के लिए आर्टिकल 224 पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए तमाम असेंबलियों के इंतखाबात बयक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए ताकि हकीकी सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा जा सके। यह ऐवान करार देता है कि वो दस्तूरी मामलात जिनमें इज्तमाई दानिश दरकार हो और इसका मुतालबा भी आ जाए, ऐसे मामलात को समात अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट करे। थैंक यू स्पीकर साहब। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. ईवान की कार्रवाई बरोज़ बुध 29 मार्च 2023 दिन 11 बजे तक मुलतवी की जाती है।